हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी रेसिपी जो बनाना तो बहुत इजी है लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी बनता है और साथ में ये हेल्दी भी है। तो जब भी भूख लगे फटाफट आप इसे जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिए हैं और उसमें 2 चम्मच के लगभग हमने डाला है सरसों का तेल। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे 1 कप सोयाबीन लिया हुआ है जिसको कि भिगा लिया था और उसका पानी निचोड़कर हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए इसे फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा कलर आने तक इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सोयाबीन था वो अच्छे से गोल्डन हो गया है, एकदम क्रंची सा। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तहरी जिसे हम झटपट बना करके तैयार कर लेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी भूख लगे आप इस तरीके से तहरी बनाइए, खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी। तो वापस से मैंने सेम पैन में 1 बड़े चम्मच तेल लिया है और 1 चम्मच जीरा डाला है। तो जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है चुटकी भर हींग। इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और ये खाने को भी टेस्टी बनाता है। और जब हींग भी अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ ही फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है और प्याज और मिर्च को साथ में ही हम गोल्डन करेंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो गया है, कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 पके हुए लाल टमाटर और साथ में यहाँ पे मैंने 1 गाजर लिया था जिसको कि बारीक काट लिया है। तो फ्रेंड्स, सब्जियाँ यहाँ आप अपने पसंद से कोई भी डाल सकती हैं जिससे कि हमारा खाना जो है वो हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी तो रहेगा ही और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बस इसे चला देते हैं और साथ में यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है इसीलिए लाल मिर्च आधे चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें मैं यहाँ पे आधा छोटे गिलास जो है वो पानी डाल दूँगी जिससे कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी हमारे जले नहीं। तो बस इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो 5 मिनट बाद फ्रेंड्स हम इसे वापस से ढक्कन हटाते हैं। तो देखिए जो मसाले हैं वो भून चुके हैं और टमाटर और गाजर भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि जो खड़े टमाटर है वो अच्छे से मैसी मैसी हो जाए। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डालूंगी चावल क्योंकि हम तहरी तो तहरी के लिए राइस बहुत ज़रूरी होता है जो बिना दाल का बनता है हरी सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राइस लिए थे। आप जो भी घर में नॉर्मली राइस यूज़ करते हैं उन्हें धो करके रख लीजिए, बस वही वाले राइस हमें यूज़ करना है। तो आप जो भी राइस खाते हैं वो यूज़ कर लें। तो सारे राइस को बर्तन में अच्छे से डाल लेने हैं और इसे अब अच्छे से मैं चला दे रही हूँ ताकि मसाले भी अच्छे से मिले। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इस रेसिपी को 1/4 गरम मसाला डाल रही हूँ। इससे हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनती है। और मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गलते हैं, इसीलिए शिमला मिर्च को मैं बाद में ऐड करूँगी।
कर रही हूँ ताकि ये एकदम अच्छे से गले नहीं, और इसमें हमें जो है वो स्वाद इसका मिलता रहे। और जो स्टार्टिंग में हमने सोयाबीन फ्राई किए थे वो डाल दे रहे हैं। साथ में फ्रेंड्स, इस रेसिपी को खास बनाने के लिए हम डालेंगे मैजिक मसाला है मैगी का। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही स्वादिष्ट सा जो है वो हमारा राइस बनके तैयार होता है। तो मसाले को डाल लेंगे और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें भूनेंगे, क्योंकि हमने जब राइस डाला था तो इसमें थोड़े पानी भी छोड़ते हैं, तो इसे अच्छे से पहले भून लेते हैं। तो भूनने के बाद फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अभी ये पका नहीं है लेकिन देखने में ही बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी सा भी है, बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी ऐड करेंगे। तो अगर आप इसे थोड़ी पतली रखनी चाहती हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, या आप इसे ड्राई में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े से कम पानी डालिए, और अगर कम या ज़्यादा हो तो आप बाद में भी अलग से पानी ऐड कर सकते हैं पकते टाइम। तो बस हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बहुत ही जल्दी बनता है, न तो इसमें हमें अलग से दाल बनाने की ज़रूरत है, न रोटी न सब्जी, एक ही साथ चोरों की भूख लगी हो तो फटाफट ये बन करके रेडी हो जाता है। तो बीच में हम इसे 1 से 2 बार तक चला देंगे ताकि राइस जो है वो जल्दी से पक जाए। तो 10 मिनट बाद फ्रेंड्स इसे चेक कर लेते हैं। देखिए पानी भी अच्छे से सूख गया है, थोड़ा सा मैं इसे गीला ही रख रही हूँ। इस तरीके से बहुत टेस्टी लगता है, मसाला भी बहुत कम है और सारी चीज़ें हेल्दी है। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकती हैं। तो लीजिए हमारे चावल की तहरी बनके तैयार हो गई है, जिसे खाने के लिए न तो हमें सब्जी की ज़रूरत है, न रोटी न दाल, ऐसे ही बहुत ही चटपटी लगती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारी तहरी बनके तैयार हो गई है, जिसके ऊपर आप घी डाल करके खाइए, इंजॉय करिए। टेस्टी है, हेल्दी है और बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनके रेडी हो जाती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, टाटा, बाय बाय।